नमस्कार एरिज, एरिज यानी मेष राशि, मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। यह आठ से लेकर 15 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एरिस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरिस के पर्सन की, एरिस के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्प्रेस। तो एरिस जो आपके पर्सन है वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, वो हर्टेड हैं, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उस इमोशंस से वो अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जो भी इसमें सिचुएशन रही है इन एंड आउट की रही है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं, रिश्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं है। तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए फिलहाल वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में जो भी दिल दुखा है, जो भी मन दुखा है, उन चीज़ों से वो बाहर निकल सके और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और इसमें जो भी गिरे सिकवे रहे हैं, जो भी इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पेशेंटली हैंडल किया जाएगा, यानी कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, खुशहाल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन अभी उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, तो अभी इसलिए सिचुएशन को सही करने के लिए वो हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एरिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, यानी कि अभी उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, वो परेशानी में हैं, वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो इस वो अभी क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं। तो एरिस जो आपके पर्सन है वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा समय को समय और वक्त देना चाहते हैं ताकि उन परेशानी से, उन दुविधा से वो बाहर निकल सकें। और अभी उनको लग रहा है कि अगर वो सिंगल रहते हुए अभी फिलहाल के लिए अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो है, जो भी गिले सिकवे हैं, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएँ हैं वो ख़त्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ यूनिवर्स जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो गिले सिकवे ख़त्म होंगे। और वो आपसे यही चाहते हैं कि जब तक आपके पर्सन सिंगल रहते हुए अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते में जो यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो उस आप उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव आपकी सोच होना, या किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानना, रिश्ते को नेगेटिव बनाना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप अगर यूनिवर्स जो आपको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए, बिना
किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आप उनको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशहाल हो सकता है और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में हो सकती है, जो आगे जाकर जो एक बिगनिंग जो शुरुआत है आगे जाकर वो ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं उसका सदउपयोग करें, उसको यूटिलाइज करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और जब तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं तब तक आपके पर्सन उस परेशानी से, उन जिससे वो हार चुके हैं, थक चुके हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस पैसा मनी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके। और गुड न्यूज़ यही होगा कि फिर से रिश्ता आगे बढ़े और आपकी तरफ से उन्हें गुड न्यूज़ मिले और ये रिश्ता स्टेबल हो, खुशहाल। देखते हैं एरिस आप क्या महसूस कर रहे हैं। एरिस आपकी फीलिंग्स क्या हैं? बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये डेथ का कार्ड आया है। आपको महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावट दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं। चाहे वो रिश्ता हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई कोई भी है, तो उन चीज़ों को आप क्योंकि भले ही आपको अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ हो सकता है, उन चीज़ों को छोड़ने में जो आपसे काफ़ी आपके काफ़ी करीब हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आप अपने इमोशंस पर काबू करते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उनको यूटिलाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को एक नया मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके लिए आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एक बच्चे की अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, तो फिर से इस रिश्ते में घर बनना, कर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं और ये रिश्ता एक हो सकता है। तो आप इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं और इसको इस समय का सदउपयोग करना चाहते हैं, ताकि जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। देखते हैं आप एरिस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते को लेकर बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, या दिल दुखा है, मन दुखा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हुए हैं, तो थोड़ा सा समय और वक्त लें, हील करें इस रिश्ते को, और जब उनको लगे कि वो सही हो गए हैं तो इस रिश्ते में उठें चलें और एक बिगनिंग करें, नए सिरे से उन चीज़ों को भूल जाएं जो इस रिश्ते में, जो ये रिश्ता पहले था, एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, नई बुलंदी हौसले के साथ, फिर से एक फ्रेंडशिप की, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, कि वो इस रिश्ते को पहले से जानते ही नहीं हैं, तो एक दोस्त की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म हो, जो भी इस रिश्ते में बर्डन रहा है वो सारा ख़त्म हो और नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ ये रिश्ता एक हो, एक दूसरे के साथ डेट्स पर
वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएं, घूमें फिरें, पार्टीज में जाएं और इस बर्डन को, उस बोझ को ख़त्म करें, ताकि भले ही ये जो एनर्जी है एक इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, भले ही एज डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर दोनों एनर्जीज मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिए जा रहे थे वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार होंगे। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और वो चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम लें, सिर्फ और सिर्फ दिल की ना सोचें या दिमाग की ना सोचें, दोनों चीज़ों की सुनते हुए वो अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे फिर से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं रहेगी और नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करेंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या बता रहा है एरिस पर्सन के लिए, आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं। द फूल, टेम्परेंस, डेथ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी गाइस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा बचपना लेंगे, जंप ना लगाते हुए अगर धीरे धीरे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, अप एंड डाउन चीज़ें जो जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस बनेगा। वो चाह रहे हैं कि डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, दोनों पक्षों की निष्पक्ष भावना से अगर दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, इमोशन, तो ये धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है वो बैलेंस आएगा। वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने टेंपर को छोड़ते हुए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए जो घर गृहस्थी का समय है उसको समय दें, जो जो बाहर का काम है उसको बाहर के समय में बाहर वो समय दें, और ना तो जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक ही सीमित रखें, और जो टेंपर है, जो गुस्सा है वो छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से पेश आएं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रही है जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी। चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वो उनसे बाहर नहीं आएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिश्ते में बैलेंस नहीं आ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की सोच रहे हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। ये एज डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि कोई एक तरफा इमैच्योर एनर्जी रही है, या फिर कोई तलाकशुदा भी हो सकता है, या फिर तो देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स ये क्या मैसेज देना चाहते हैं एरिस पर्सन के लिए, क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन एंड ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि जो आपका दिल और दिमाग है, जो आप दिल से सोचते हैं और दिमाग से सोचते हैं, उन दोनों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस लाइए, उनमें समझौता कीजिए और आपको अपने प्यार में, आप अपनी सिचुएशन में प्यार लाने की ज़रूरत है। प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे से पेश आते हैं, प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकल सकता है, उनका समाधान निकल सकता है और एक नई जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। यानी कि
प्यार में जो जो रिश्ता, जिस रिश्ते में रुकावटें आ गई थी, बाधाएं आ गई थी, दिक्कतें आ गई थी, फिर से आपका जो है प्यार में रोमांटिक सिचुएशन आ सकती है, फिर से खुशहाली आ सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो जो एक नए यानी कि नई नई शादियाँ हुई हैं तो वहाँ दोबारा से नया रोमांस, नई खुशी आपके उस पर आ सकती हैं। और अगर बहुत दिनों से तलाकशुदा हैं या बहुत दूरियाँ बनी हुई, तो धीरे 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 करके पॉजिटिविटी की तरफ आने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, तो आपका नया मतलब यानी कि एक अच्छा समय शुरू हो सकता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे परिवार में खुशहाली आ सकती है, रिश्ता एक हो सकता है। जो दूरियां, जो रिश्ते में तनाव बना हुआ है, जो खिंचाव बना हुआ है, वो खिंचाव दूर हो सकता है, वो तनाव दूर हो सकता है, और धीरे धीरे करके खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।